नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं पोको के जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है पोको M2 Pro, इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वैसे इसका ऑर्डर जब मैंने किया था तो वो भी एक पूरी अलग ही कहानी है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि जो स्टॉक में आया ही नहीं था फ़ोन और बहुत से लोगों को मिला ही नहीं था, बट मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया था और मुझे 12 बजे से पहले मिल गया था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे फ़ोन मिला था। आप भी ट्राई कर सकते हैं, उस तरह से आपको भी मिल सकता है। तो अगर आप देखना चाहें तो उसका वीडियो मैंने बनाया है। अभी के लिए इस वीडियो में हम इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इनिशियल इम्प्रेशन क्या है देख लेते हैं, चाइनीज़ जो बैंड एप्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि नहीं, वो चीज़ भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो बॉक्स यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है, एंड जो येलो एक्सेंट है उसका, उसी में लिखा हुआ M2 Pro, यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग है। बॉक्स को देख के बिल्कुल टैक्सी की याद आ जाती है, एंड यहाँ पे लिखा है इंडिया नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। तो रियल मी लिखता था इसीलिए पोको ने भी लिख दिया है, तो जो पोको वाले हैं वो रियल मी के पीछे लगे हुए हैं। बाकी साइड में यहाँ पर पोको M2 Pro लिखा हुआ है और कुछ नहीं है दोनों ही तरफ। यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है, मॉडल नंबर लिखा है, ये ग्रीन एंड ग्रीनर कलर है, 664 वाला वेरिएंट है। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये अंदर बॉक्स में क्या क्या है वो चीज़ें लिखी हुई है। MRP इसकी 17999 लिखी हुई है, बट ये अवेलेबल है 14999 में। उसके अलावा यहाँ पे SAR वैल्यू भी लिखी गई है जो आप देख सकते हैं, हेड की 0.914 है एंड बॉडी की 0.669 है, तो ये ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ है 7/2020, तो इसी महीने में बना है, मेड इन इंडिया है। और बॉक्स में आप पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अगेन पोको M2 Pro प्रोसेसर लिखा हुआ है, जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। उसके अलावा इनबॉक्स 33 वोल्ट का चार्जर है, तो यहाँ पे चेंज एक यही देखने को मिलता है आपको, 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। बाकी ये रीब्रांडेड रेडमी नोट 9 प्रो ही है। उसके अलावा 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। उसके अलावा नेविक का सपोर्ट वगैरह वो भी देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 है, फ्रंट एंड बैक में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ड्यूअल वोल्टी है, वो वाईफाई सपोर्ट है, स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग है, UFS 2.1 की स्टोरेज दी गई है एंड LPDDR4X रैम है। और देख लेते हैं कि अंदर पैकेजिंग में क्या देखने को मिलता है। और इसको ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है, एक छोटा सा नाइफ है मेरे पास, तो अनबॉक्सिंग के लिए रखा है। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नाइफ कैसा लगा ये भी बताइए। तो बॉक्स को खोल लिया है हमने, अरे अंदर तो पूरी ही टैक्सी है यहाँ पे। ये ट्रांसपेरेंट TPU केस जो रेड नोट 9 प्रो एंड प्रो मैक्स में आपको देखने को मिला था वही है, सेम क्वालिटी है, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हाँ, तो यहाँ पे मेन जो चेंज है वो यही है, ये केबल है, तो USB Type-C केबल देखने को मिल जाता है। और केबल की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है यहाँ पे, जो Realme के फ़ोन्स में आते हैं केबल उसी तरह का एकदम मजबूत केबल दिख रहा है। 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट सेट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट सेट 3 एम्पियर, तो 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, जबकि नोट 9 प्रो सेम प्राइस में आता है वहाँ पे आपको 18 वोट का ही चार्जर दिया गया है। तो ये कुछ माइनर से चेंज किए गए हैं और चिप का दिया गया है पोको M2 Pro के नाम से, बट ठीक ही है, नोट 9 प्रो से तो बेटर है, आप ये ले लीजिए, आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे काफ़ी लोग इसको निकालते नहीं है, उसको लगता है ये निकालेंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, निकाल दो, डिवाइस का लुक बिगाड़ता है ये, ठीक है। तो अभी ये डिवाइस है पोको की ब्रांडिंग है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये पूरा ब्लू ही लग रहा है, तो इसको थोड़ा कलर में चेंज करना चाहिए नेम देने में। और डिवाइस को ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में वॉल्यूम रोकर दिए गए हैं,
वॉल्यूम रोकर है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, माइक्रोफोन है एंड 3.5 में हेडफोन जैक है। और यहाँ पे देखें तो ये साइड में आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, सिम ट्रे, चूँकि कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लेते हैं अभी। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको आई आर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, तो अगेन आप इसको रिमोट की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है, आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया है, ड्यूअल सिम प्लस एसडी कार्ड लगा सकते हैं। चलिए अभी मैं डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ। डिवाइस यहाँ पे सेटअप हो चुका है, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्लॉटवेयर मिलता है कि नहीं प्री इंस्टॉल्ड, ये सब तो हमें पता ही है। तो ब्लॉटवेयर तो दिया गया, ये गेम्स वगैरह है जैसे, पर इसको आप अन इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं वो भी देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप अन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो हेलो ऐप जो बैंड हो चुका है फिर भी यहाँ पे दिख रहा है, वो नहीं निकला है अभी भी, तो ये गलत चीज़ है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना भी चाहता था। तो सेटिंग में जाके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया है कि नहीं यहाँ पे, जो बैंड ऐप से उसको हटाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये अपडेट इंस्टॉल कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि जो ऐप्स है, बैंड ऐप्स है, वो यहाँ से निकलते हैं कि वैसे ही रहते हैं। एंड अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे जो क्लीन मास्टर है वो यहाँ पे अभी भी वैसे ही है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो क्लीनर है यहाँ पे आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लीनर नीड्स टू अपलोड द फाइल नेम और लोकेशन डेटा फाइल टू क्लीन मास्टर सर्वर। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अग्री नहीं करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे इश्यू बन गए हैं, ऐप्स को बैन कर दिया है। एंड पोको ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया था कि वो इस ऐप्स को हटा देंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, बट अभी भी हटा नहीं है। एंड यहाँ पे भी आप सेटिंग में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है ये क्लीन मास्टर की ही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर ये चीज़ है और ये अभी तक हटा नहीं है। तो इसको मैंने चेक भी किया था परमिशन वगैरह में जाके, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दिए है तो इसने परमिशन लेके नहीं रखी है। तो सिंपली अगर आपको ये परमिशन के लिए मांगता है तो आपको परमिशन डिनाई कर देनी है। तो अभी चलिए मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल आपको दिखा देता हूँ। तो ये इंडोर कुछ सैंपल है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नॉर्मल मोड है, अगेन ये पोर्ट्रेट मोड है। तो अलग अलग ये फ्रंट कैमरा के कुछ सैंपल है। तो यहाँ पे आप सैंपल देखते हैं तो सेम ही सैंपल आपको देखने को मिलते हैं जैसे आपको नोट 9 प्रो में देखने को मिले थे, वही सेम कैमरा है, बेसिकली सेम ही फ़ोन है, कोई ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग मोड में मैंने सैंपल लिए जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये डिसेंट लग रहा है, कोई इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लग रहा है और इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहा है। बाकी इसको अभी हम दूसरे कैमराज के साथ साइड बाई साइड कंपेयर करेंगे तब हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो दूसरे फ़ोन्स के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे, स्पेशली जो Redmi Note 9 है उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे, तब पता चलेगा कि किस तरह से ये फ़ोन परफॉर्म करता है। तो ये कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो अच्छे लग रहे हैं सैंपल, अभी फर्स्ट इंप्रेशन है ये। एंड ये कुछ मैक्रो के सैंपल है, तो अगेन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो बस यही था एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट लुक पोको M2 Pro का, साथ ही कुछ कैमरा सैंपल भी दिखा दिए और साथ ही जो बैंड चाइनीज ऐप है वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगा इतने दिन लग गए हैं फ़ोन को आने में, तो शायद अपडेट के द्वारा फिक्स किया होगा। उसके बाद अपडेट भी आया, वो भी मैंने किया, बट अगेन अपडेट करने के बाद भी यहाँ पर सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जल्दी से जल्दी फिक्स होनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। बाकी इसके ऊपर और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हो वो मुझे नीचे बता दीजिए कमेंट में, तो मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।